लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर टू. हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट्स एट 12, इट इज स्टार्टिंग एट 12, ओके, एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लॉकवाइज कैसे कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कैसे कहते हैं. जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. क्लॉकवाइज क्लॉक की डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज ऑब्वियसली उसका रिवर्स हो गया. सो क्वेश्चन कह रहा है स्टार्ट एट 12, मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, ये हम ए पार्ट कर रहे हैं. ओके, हमें बोर्ड मास में हमने पता है कि हाफ ऑफ का मतलब क्या होता है. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, रेवोल्यूशन. सी अभी हम 12 क्लॉक की बात कर रहे हैं, तो पूरी रेवोल्यूशन अगर हम लेते तो हम कितने आवर्स चलते हैं, कितने स्टेप्स चलते हैं, 1 2 3, हमें पता है ये कितना है 12. सो 12 स्टेप्स चलते हैं. अभी हमने कितना चला, हाफ, सो इसका मतलब 6 आवर्स हो गया. ओके, सो 12 से हम 6 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, वेयर वी विल रीच 6, देयरफॉर वी will reach at 6, not 6 o'clock. 6 o'clock नहीं, बिकॉज वो टाइम नहीं बोल रहा, 12 o'clock नहीं बोला था उसने, उसने सिर्फ 12 बोला था. वो उसने एक पोजिशन बताई थी, जब पोजिशन बताते हैं तो हम भी उसकी पोजिशन बताएंगे. बिकॉज वो क्लॉक वाइज बोल रहा था तो हम इस तरफ से काउंट करेंगे, अगर वो एंटी क्लॉक वाइज बोलता तो हम इस तरफ से मूव कराते हैं. बी पार्ट देख लेते हैं. बी पार्ट में उसने बोला स्टार्ट सेट 2, ओके, स्टार्ट सेट 2 एंड मेक हाफ ऑफ रेवोल्यूशन. हाफ ऑफ रेवोल्यूशन अगेन हमने कर लिया है, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन मतलब 6 आवर्स, इसके ना 6 प्लस करते हैं और एक क्लॉक वाइज जाके 8 पे पहुंच जाएगा. तो इसका आंसर जो हो गया वो 8. स्टेटमेंट जरूर लिख देना कि इट विल रीच और स्टॉप एट 8. पार्ट सी, पार्ट सी में है आपका स्टार्ट सेट 5, ओके, स्टार्ट सेट 5 एंड मेक 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. सो हमें पता है कि रेवोल्यूशन में कितना है, 12 आवर्स. सो 1/4 ऑफ मल्टीप्लाई रेवोल्यूशन मीन्स 12, दैट मीन्स कितना चल रहा है ये, 3 आवर्स. इज इट क्लियर, 3 आवर्स. तो 5 के अंदर 3 प्लस करते हैं, 1 2 3, सो आंसर आ गया 8. सो वी विल रीच एट 8. सो हमारा लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, डी पार्ट, जिसके अंदर क्या है, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. अभी अभी हमने देखा 1/4, 3/4 में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे. सो मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे पहले से 3 आया था, 3 into 3, 9 आवर्स. एंड स्टार्ट्स एट 5, अगेन 5, 9, 5 के अंदर 9 प्लस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर क्या आ जाएगा, 2. विल रीच एट 2. कुछ बच्चे इसको इस तरीके से भी कर लेते हैं, 5 plus 9 कितना हो गया, 5 plus 9 14, बच्चे 14 लिख देते हैं, बट 14 आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये 12 आवर्स की क्लॉक है तो इसको 14 नहीं लिख सकते. 14 minus 12 2 आ जाएगा. तो यहाँ से भी आपका आंसर 2 हो सकता है. आप नॉर्मली काउंट कर लो या फिर इस तरीके से आप करके भी दिखा सकते हैं. 24 आवर्स की क्लॉक नहीं है ये, 12 आवर्स की क्लॉक है. तो आज की वीडियो में इतना ही. क्वेश्चन 3 या 1 या बाकी सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के देखने हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कार्ट में या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.